मेहनत नहीं करेंगे और मुझे ये चीज मिल जाए तो इम्पोसिबल। कभी नहीं, कभी नहीं। ये भैया कहाँ, त्रिपुरा कितना दूर है और कितना वहाँ का सब एनवायरमेंट ही अलग। क्या है ना, व्हेन यू आर ऑन अ राइड और कहीं जा रहे हो आप लोग लॉन्ग राइड पे, मेक श्योर कि आप एवरी 400 किलोमीटर नहीं तो बाय हाईएस्ट 500 किलोमीटर चला के आप चेन लूप करो, क्योंकि चेन कल एक गलती हो गई थी, हमारी कल एक गलती हो गई थी, हम लोग थोड़ा ज्यादा चला लिया है, ज्यादा चला लिया और चेन आवाज करने लग गई। वी हैव ऑलमोस्ट डन 750 किलोमीटर। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, व्हाट्स अप एंड कैसे हो, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग है राजस्थान बॉर्डर पे एंड वी हैव टेकन अ स्टे एट दिस होटल, होटल रॉयल सैल्यूट। कल रात हम लोग आके पहुँचे थे डॉट 9:30 आके पहुँचे। आने के बाद इतने एग्जॉस्टेड हो गए, एग्जॉस्टेड होने के बाद मतलब जो पिछला ब्लॉग है उसको एंड करने तक का ही मतलब ये नहीं था, तो ये वही ब्लॉग मैं आज एंड कर दिया। और आज मैं आप लोगों को रूम टूर करवाऊँगा एक, एंड बाइक का चेन लूप करा के फिर तैयार होते, क्योंकि 10:30 बजे हम लोग का चेकआउट है। उससे अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम हमने ले लिया तो अगले दिन का हम लोग को पटका गिरेगा। So let's make it fast. Okay, and this is how it looks. ये जो white white आप बोल रहे हो, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि white white क्या होता है। So फिर से बताता हूँ, basically this texture contains ceramic wax, जो कि आपको आपका chain को help करती है to repel water and dust, and it is very very much useful guys, क्योंकि मैं अपना 2-3 vlog में बोल चुका हूँ, it is very very much useful. एंड ज़्यादातर लोग जो लोग आप देख रहे हो, आप में से बहुत लोग टूरिंग भी करते हो एंड एडवेंचर करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम एडवेंचर ही करते हैं हम लोग जब राइड पे निकलते हैं, एंड रोड्स आर अनप्रेडिक्टेबल है कि नहीं, तो जब कुछ भी हो सकता है। आप ऑफ रोड भी कर सकते हो, आपको ऐसे मक्खन जैसे रास्ते भी मिल सकते हैं, लेकिन पर बीच बीच में प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर। सो मैं तो बोलूँगा यार प्यूटोलिन ले लो, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद का पॉकेट से दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी टू बी ऑनेस्ट चीज़ अच्छा है। देखो हम लोग बताएंगे जो चीज़ अच्छा है वो अच्छा है भाई, वो अच्छा है, हम लोग ऐसे कुछ की प्रमोशन करने के लिए ऐसा कुछ नहीं। तो बहुत हो गई बातें, यहाँ पे हम ज़्यादा बात करने लग गए तो यार आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलो रूम का टूर लेते एक और आपको दिखाते हैं हमारी छोटी सी जिंदगी कल रात जो हम गुजारे, क्या कर रहे गुजारे। और हाँ, कल का व्लॉग में मैंने एक चीज़ रिवील करना भूल गया, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था अबाउट द गोप्रो का बैटरी, क्योंकि मेरा बैटरी एक्चुअली वो स्वेल हो चुका था धूप में ज़्यादा एक्सपोज रहने से, जो मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि धूप में ज़्यादा एक्सपोज रहने से आपका गोप्रो का बैटरी से लेके गोप्रो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा बाहर उसको एक्सपोज ना रखो, आप जब व्लॉग करते हो या आप जब यूज़ करते हो तभी बाहर निकालना, नहीं तो कीप इट इनसाइड योर बैग और समवेयर एनी पाउच व्हेरेवर यू कैरी। एंड अदर देन दैट इट्स टाइम टू रिवील द डेस्टिनेशन। तो हम लोग जा रहे कहाँ, जयपुर जा रहे हैं हम लोग, जयपुर जाएंगे, जयपुर जाके 7-8 डेज हम लोग वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, और कहाँ कहाँ जाएंगे वो तो व्लॉग में पता चलेगा, क्योंकि हम लोग को भी नहीं पता, हम लोग जस्ट मतलब छोटा छोटा एक रफ प्लान करके रखे, उसके बाद जाके वहाँ पे जाके पता चलेगा कि हम क्या करेंगे, मतलब कहाँ कहाँ क्या एक्सप्लोर करेंगे। पहले तो जाएंगे जाके, एक दिन तो रेस्ट डे होगा। ये देखो ये अपना छोटी सी जिंदगी, ये बेडरूम, ये एक्चुअली डबल रूम है तो हम लोग ने सोचा तीन आदमी है, हम लोग तीन लोग हैं, तो एक इंसान के लिए अलग रूम लेना कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो हमने एक्स्ट्रा बेड का जुगाड़ लगाया यहाँ पर। मस्त नींद एकदम, मत क्या ही बताए, पावर नैप से भी ज़्यादा है, मज़ा आ गया, अभी बहुत फ्रेश है, अभी नेक्स्ट राइड मतलब अपनी अगली जो डेस्टिनेशन है उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार है अभी। एंड दिखाते हैं गैलरी आ जाओ। और एक चीज़ ये होता है व्हेन राइडर्स ट्रैवल यू गेट मैस्ट रूम्स, मतलब कहाँ क्या क्या पड़ा हुआ है, लैपटॉप यहाँ पे, सैडल बैग यहाँ पे, बिखरा पड़ा। लेकिन हम लोग को पता है कौन सा चीज़ कहाँ पे, ये हम लोग का एक खूबी है, आप लोग को समझना चाहिए। चलो आपको गैलरी दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे छोटा सा देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल गैलरी, भाई लॉक हो गया क्या, छोटा सा गैलरी है जहाँ पे आप आके व्यू का मजे ले सकते हो। दिस इज द नेशनल हाईवे व्हिच विल कनेक्ट यू फ्रॉम मुंबई टू जयपुर, नहीं तो जयपुर टू मुंबई, जो भी आप जिधर से भी आओ। एंड पीछे तो छोटा सा एक हिल है,
बस बाकी सब एकदम बढ़िया, एकदम मस्त मज़े में हम लोग। तो ये है हमारा वॉशरूम, बहुत ही स्पेशियस, ज़्यादा स्पेशियस है। ये है स्टेयर से अपना बाइक का कुछ ऐसा व्यू जो हम आके बार बार नीचे देख सकते हैं, लेकिन कल आए नहीं बिकॉज वी स्लेप्ट ऑफ। तो चलो नीचे जाके हम लोग सेटल अप करते हैं, नीचे जाके मिलता हूँ मैं आप लोगों से, क्योंकि बहुत ही हैवी बहुत सामान है मेरा एक हाथ में, मतलब क्या। तो अभी का जो करंट सिचुएशन है कुछ ऐसा है, ये सैडल बैग पहले जाएगा सीट के ऊपर एंड देन द टेल बैग, उसके बाद फुल्ली गियर्ड अप। अभी गियर्ड अप होंगे, गियर्ड अप होके राइडिंग जैकेट पहन के निकलेंगे। सीक्वेंस बनाने का सोचा था बट देन वी डोंट हैव इनफ टाइम टू मेक ऑल दिस थिंग, क्योंकि हम लोग को जल्दी से जल्दी जयपुर पहुँचना है, विच इज़ अराउंड 550, तो मतलब 550 पकड़ लो, 550 राउंड फिगर पकड़ लो, 550 किलोमीटर्स। और हमने कल जो किया था, आई विल शो यू द ऑडो, कल हमने कम्प्लीट किया कुछ 735.4 किलोमीटर्स। सेट टू लीव राइट नाउ। अभी क्या करूँगा, पानी, ठंडा पानी का बॉटल लिया और मेरा हाइड्रेशन बैग इसमें डालूंगा टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे जितना राजस्थान के जितना अंदर पहुँच रहे हो उतना बॉडी डिहाइड्रेट हो रहा है। विक्रांत ऑल सेट, विक्रांत भी सेट है, आई जस्ट गो एंड हेल्प हिम फॉर पुटिंग द नेट। तो अब इसको अंदर डालता हूँ पानी को, एंड डू मेक श्योर कि आप अगर कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो डू कैरी हाइड्रेशन बैग, नहीं तो इनफ वाटर टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, उतना ही बोल रहा हूँ क्योंकि हर ब्लॉग में वही बोलता हूँ, जितना हाइड्रेटेड रहोगे उतना ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहोगे। ऑल राइट, ऑल सेट फॉर डे टू का राइड। आज का जो है, सॉरी, आज का ट्रिप को करते हैं जीरो। बाबा होटल, थैंक यू, रॉयल सैल्यूट फॉर वंडरफुल स्टे। शायद ये बहुत अबंडेंट है, लोग जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। आई डोंट नो वेदर मैं होपफुली डूइंग द प्रॉपर जस्टिस और नॉट, बट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मतलब अभी वो वाइब आ रहा है कि वी आर इन राजस्थान, अभी जा रहे हैं हम, मतलब वाइब आ रहा है। क्या मक्खन सी रोड है यार, क्या मक्खन सी रोड, मतलब मज़ा आ रहा है चला के। जब से निकलो तब से चला के इतना मज़ा आ रहा है क्या ही बताए। बस ये बीच बीच में जो स्कीप भी करते ना वही बदल से अलर्ट, बिकॉज मेरा अलॉय व्हील है, अलॉय पे राइड करना इतना वजन लेके इट विल बॉदर यू अ लॉट, बट इफ़ यू राइड इट प्रॉपरली तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बस यू हैव टू टेक केयर कि पॉट होल्स में आप लोग स्लो जाओ, दैट्स इट। लीटर, लीटर कितने भैया? 89 फुल कर दो। हाँ जी, तो करा लिया हम लोग ने फ्यूल अप। मुझे पड़ा तकरीबन 890 का फुल कराने में। तो गूगल माता इज रिपोर्टिंग द वेदर टू बी एट 32 डिग्री, लेकिन यहाँ का 32 डिग्री बहुत ही ज़्यादा गर्म है, एंड होपफुली ज़्यादा गर्मी ना हो। ज़्यादा गर्मी होने से मतलब ये गियर राइडिंग जैकेट के साथ प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने तो रेन लाइनर, विंटर लाइनर, विंटर लाइनर तो ज़रूरत नहीं अभी, मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता है। रेन लाइनर में निकाल दिया, फिर भी वो जो मैश जो कपड़ा, आई मीन एयर जो पास हो रही है उसको भी फील नहीं कर पा रहा हूँ, इतना गर्मी, हवा भी बहुत गर्म है। एंड चलो उदयपुर तक पहुँच के हम लोग उधर ब्रेकफास्ट करते, ब्रेकफास्ट करके आप लोग के साथ वार्तालाप करेंगे, एंड बाकी सब सही जा रहा है, एकदम बहुत फ्लो में, एकदम चेन भी एकदम चमक रही है सिरेमिक वैक्स के साथ, और क्या सही। चलो मिल तो गया, वो लोके गया ना, मिल गया ना, कैसा आया ये इधर? अरे वो एकदम लटका, फिर तेरा ये ना व्हील में लगा, टेल टाइडी, हाँ उस पे वो लगा और उड़ गया। कौन सा जगह अंकल? उदयपुर आ गए। उदयपुर, उदय, अच्छा तो ये उदयपुर है तो मैं कंफ्यूज हो रहा था,
एक्चुअली दिस इज उदयपुर, दिस इज द उदयपुर सिटी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये। चलो हर राइडर को राइड में जो नहीं चाहिए वो ही होना था। जैम ट्रैफिक, वंस यू एंटर एनी सिटी ये जैम ट्रैफिक में ये सब लोड लेके चलाना पड़ता है। एनीवेज अगेन पार्ट ऑफ द जर्नी। ओ भैया क्या कर रहे हो, जाने दो। ब्यूटीफुल सी प्लेस ऑफ व्यू और पिक्चर ना लेके कैसे जाए हम। एक सेल्फी भी ले लेता हूँ। इन केस इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम इट्स गाय ऑन टू व्हील्स, यहाँ पे टैग आ रहा होगा। क्योंकि क्यों मैं बोल रहा हूँ फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पे करंट अपडेट्स रहते हैं। इट्स नॉट अबाउट की फॉलोअर्स, हाँ सबको फॉलोअर्स चाहिए एनीवेज होती है अदर, लेकिन जो लाइव अपडेट्स है वहाँ पे आपको मिलेगा ना। तो यू कैन गो एंड फॉलो। क्या व्यू है यार, क्या व्यू है, यही चीज़ का तो पैसा है बहुत। इसके लिए तो वेट कर रहा था कल से, मैं कल बोर हो गया था, आज पूरा फ्रेश रिफ्रेशमेंट एकदम फ्रेशनिंग अप हो गया पूरा एकदम। क्या ही बताऊँ यार, कितना खूबसूरत नज़ारे, कितना खूबसूरत। आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट इतना खूबसूरत हो सकता है, इतना खूबसूरत नज़ारे जल्दी देखने को मिलेगा। वाओ दिस इज अमेजिंग, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। साइनबोर्ड से जयपुर इज मोस्ट 388 किलोमीटर। चलो चलते हैं, बस रोड मक्खन पियो, बस भगाते रहेंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे शाम तक। तो एक्सपेक्टेड है कि शाम तक पहुंच जाएंगे। तो अभी आप पूछोगे कि मैं यहाँ क्यों रुका हूँ, क्यों स्लो डाउन किया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, सीधा देखो शिव जी का कितना बड़ा मूर्ति है भाई, कितना खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है वो, मतलब बहुत बड़ा है। मैं कभी ना कभी ड्रोन लूँगा तब देख लेना, तब दिखाऊंगा अच्छा अच्छा फुटेज। अभी जितना कैप्चर कर रहे देख लो, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत क्या बताऊँ। कभी नहीं, कभी नहीं। ये भैया का त्रिपुरा कितना दूर है और कितना वहाँ का सब इन्वायरमेंट ही अलग है। एक पुणे और इनको दोनों कंपैरिजन करें तो कहीं पे भी मिक्स बैठता नहीं है। बैठता भैया तो कैमरा भी लगा हुआ है क्या हेडफोन में? हाँ, नहीं तो ब्लॉग कैसे बनाऊंगा। सब कैमरा है, आपके भी कैमरा है उसके, सबके हेलमेट के। यहाँ पे तो नॉन वेज है नहीं, तो यहाँ पे वेज ही है। यहाँ पे खाना नहीं खाए लेकिन मन ज़रूर भरा। एक बात सुन के, ये तो भैया बोल रहे थे, मोटिवेशन दे रहे थे कि यार मेहनत, मतलब ये भी समझ गए कि यार हम लोग मेहनत कर रहे हैं, समझ रहे हो। और मतलब दिस इज़ द पार्ट ऑफ, दिस इज़ अनदर पार्ट ऑफ, अनदर फेस ऑफ ट्रैवलिंग। आप जितना ट्रैवल करोगे उतना लोग मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, मोटिवेट करने वाले मिलेंगे, हंसने वाले भी मिलेंगे। डिपेंड करता है आप किस माहौल पर जीते हो। बहुत अच्छा लगा, मतलब पेट भरा या ना भरा, यहाँ पे मन ज़रूर भर गया यार। अभी जाके पेट भरना है, मन भरने से कुछ नहीं होगा, पेट भर के खाना खाना है, फिर अगले 300 किलोमीटर तक अपने को कंटिन्यूस चलाना है। हाजी तो सुबह से लेके हम लोग सोचे कि कहीं रुक के खा लेंगे, आफ्टर द रिफ्यूल, रिफ्यूल कराने के बाद हम लोग इतना भगाए, रास्ता इतना सही लगा, मतलब क्या ही बताए, रास्ता पूरा मक्खन है। हम सोचे कि एक बार में 100 किलोमीटर्स मार के हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन लंच टाइम हो गया, अभी स्नैक्स का टाइम हो रहा है, 4 बज गए, फिर भी हम लोग रुके नहीं। हम लोग ने डायरेक्ट 215 किलोमीटर्स का स्ट्रेच मारा, स्ट्रेच मार के हम लोग यहाँ पे रुके। पहले सोचे हम लोग नॉन वेज खाएंगे, नॉन वेज लेकिन मिल नहीं रहा था कहीं पे, नवरात्रि शुरू हो गया है, तो हम लोग सोचे कि चलो अभी जो भी मिल रहा खा लेते। तो अभी क्या करेंगे, खाना खाएंगे, खाना खा के मैं आप लोग के साथ डायरेक्टली खाना खाने के बाद मिलता हूँ, क्योंकि अभी एनर्जी नहीं है। खाना खा के एकदम फ्रेश हो गए मिलते। खाना तो हो गया एकदम, पनीर का सब्जी, रोटी एंड दाल फ्राई मस्त खाए हम लोग खा के। अभी इट्स टाइम टू गो, वी आर अगेन बूस्ट अप विद एनर्जी, इट्स नाउ टू लीव फॉर जयपुर। जयपुर इज मोर कितना किलोमीटर से विक्रांत? जयपुर इज मोर 245, चलो 250 पकड़ते राउंड फिगर, 250 किलोमीटर्स। अभी 250 किलोमीटर्स तक भगाएंगे, बीच में अगर अच्छा व्यूज़ मिले तो ज़रूर कैप्चर करूँगा, अगर नहीं वही सेम ही रोड है, पहाड़ एंड हाईवे, दैट्स इट। अगर मिले तो कैप्चर करूँगा और नहीं तो सीधा जयपुर में मिलेंगे विक्रांत के रूम पे। So let's get going. Right, खाना हो गया है होटल में, होटल प्रिंस पैलेस, हाँ होटल प्रिंस पैलेस में हो गया खाना। इट्स टाइम टू लीव नाउ,
सीधा जयपुर जाके रुकेंगे। बीच में अगर जैसे कि बोला मैंने, बीच में अगर अच्छा व्यूज़ मिले तो ज़रूर कैप्चर करूँगा, नहीं तो सीधा जयपुर में मिलेंगे। और बीच में रिफ्यूल भी कराना है जयपुर पहुँचने, क्योंकि जितना फ्यूल है उससे नहीं पहुँचा। 230 रेंज दिखा रहा है और जयपुर है 250, तो बीच में कहीं रुकना ही पड़ेगा हम लोगों को। और विक्रांत आगे निकल चुका है, मैं थोड़ा फोटोग्राफी कर रहा था इसलिए लेट हो गया। चल हीरो बाय। पहुंच जाएगा ना? पहुंच जाएगा वो, जाली तो नहीं है अंदर। क्यों ला लो? क्या क्या हम करना है? फुल फुल, हाँ फुल करो। तो 10 लीटर आया तकरीबन 870 के आसपास, 869 पॉइंट कुछ आया था, तो 870 बोल सकते हम लोग। अभी हम लोग जयपुर से लाइक 110 किलोमीटर दूरी पे, बीच में कहीं रुकेंगे, शाम का चाय तो नहीं पिए, बिना चाय का कोई राइड का मज़ा नहीं है। हाँ जी, जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग चाय पीने रुकेंगे, तो चाय पीने रुके, चाय पीने के लिए रुके, रुकते ही बारिश शुरू हो गई। अभी पता नहीं हो क्या रहा है, क्योंकि हम लोग जब से पूना से निकले तब से बारिश ही बारिश हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बारिश पीछा कर रहे हैं हम लोग। जहाँ पे भी रुक रहे हैं हम लोग, कल रात होटल को स्टे किए तब भी बारिश, आज भी यहाँ पे आके रुकते ही बारिश, पता नहीं चल क्या रहा है, शायद बारिश हम लोग का पीछा कर रहा है। क्या बोल रहे विक्रांत? पूने से कर रही है, मुझे लग रहा है कि सच में बारिश हम लोग का पीछा कर रही है। जब जब भी हम लोग रुक रहे कहीं पर स्टे ले रहे, या अभी तो चाय भी नहीं रुके, अभी निकलना भी, और भी 100 किलोमीटर जाना है हम लोग को जयपुर, विच इज़ अराउंड 1.5 आवर दूरी पे। तो देखते रुकते बारिश रुकने तक का वेट करते करके फिर निकलते, 10 से 15 मिनट के बाद निकलते हैं। अभी तो मतलब पूरा सूखा सूखा था, अभी पूरा भीग जाएगा पूरा गाड़ी एकदम, मेरा तो टेल टाइट है पूरा, अभी पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन मैंने पूरा रेन कवर चढ़ा के रखा है। बारिश रुक गई है लेकिन थोड़ा ड्रिजल है अभी भी, तो निकलते धीरे धीरे। अगर आगे ज़्यादा बारिश हुआ तो हम लोग रेन गियर पहन लेंगे, क्योंकि मेरा राइडिंग पैंट बस मैच है, उसमें रेन लाइनर नहीं है, मिलता है लेकिन मैंने लगाया नहीं है, गर्मी है ना अभी। तो फाइनली पहुंच चुके हैं विक्रांत के पार्किंग लॉट पे, ये है गाड़ी, इसके पार्किंग लॉट है विक्रांत का, और उसका रूम में जाने का प्लान था, लेकिन सोच रहा हूँ कि यहाँ पे व्लॉग एंड कर दूँ, क्योंकि डायरेक्टली रूम में जाके आप लोग को दिखाऊंगा तो सस्पेंस नहीं रहेगा। तो देखना है तो अगले एपिसोड का वेट कीजिए। एंड कल है हम लोग का बफर डे, जो कि हम लोग व्लॉग भी नहीं बनाए, जस्ट यहाँ पे यहाँ वहाँ टहलने वाले, मतलब विक्रांत को सिस्टर के घर में जाएंगे। इट्स टाइम टू अनसेटल एवरीथिंग, जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा काम है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत है, सेटल करना और अनसेटल करना, सेटल दोनों ही बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है। और कुछ लोग जुड़ जाएंगे अगले 7-8 दिन तक, 7-8 दिन के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, टुडेज व्लॉग, टुडेज एपिसोड, राइट टू लर्न, एक्सप्लोर एंड एडवेंचर इन यू। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।